मां दा दर्शा अते मां दा रिश्ता संसार दे सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी नामात्र हुंदी है। अते मां वाले सारे ही गुणां नाल भरपूर सन श्रीमती नीलू खोसला जी। श्रीमती नीलू खोसला जी एक बहुत ही चंगे अते संस्कारी औरत सन। आप जी दा परमात्मा विच अथाह विश्वास सी। आप जी ने अपने बच्चियां नूं भी अपने ही अपनाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती, जिस दी बदौलत अज आप जी दे बच्चे बहुत नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखदे हन। सब तो वड्डी गल, आप जी दे बच्चे पढ़े लिखे हन अते समाज विच खूब नामना खट रहे हन। श्रीमती नीलू खोसला हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गीता मंदिर मॉडल टाउन जलंधर विखे करवाया गया।
Thank you.
ਪੀੜਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਵਾਰ जा
क्योंकि माँ एक बार हमारे जीवन से चली जाए दोबारा वो प्यार नहीं नसीब होता। ए दिया कोड़िया थावा जग दो लब दिया नहीं थोड़ी जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं थोड़ी जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं पुत्र पावे लख जाने तो मंदे ने पर मावा आखर सारे जग तो चंगे ने होर किसे ते इंज वफावा लब दिया नहीं तुर जावण एक बार ते मामा लब दिया नहीं। मीनू खोसला जी हमारे बीच नहीं है, हम सभी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस दिव्य आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और जितने भी लोग यहाँ पे आए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अपने भाव के द्वारा प्रकट करेंगे। प्रोफेसर झा जी विपिन झा जी से निवेदन है कि वो व्यास गति थे विराजमान साड़ी सारे दी प्रेरणा दे स्रोत और वेदा दे प्रखर ज्ञाता पंडित जी महाराज अज असी सारे इत्थे बहुत ही दुख गम ते रंज की कड़ी दे विच इकत्तर होए हैं। साडे विचों खोसला परिवार की शान खोसला परिवार की बेटी श्रीमती नीलू खोसला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राकेश खोसला जी प्रभु के द्वारा बख्शिश कीतियां गईयां स्वासा की पूंजी का निर्वहन करते हुए इस फानी संसार को हमेशा दे लई अलविदा कह के उस परम पिता परमात्मा के चरणों के जा विराजे ने। सत्संग जी बाणी दे विच लिखा है कि जेहा चीरी लिखिया तेही हुक्म कमाए कले आए नानका ते सदे उठी जाए। इंसान के जीवन के नाल ही जन्म के नाल ही उस दी मौत का कारण समा ते स्थान निश्चित हो जाता है और इस तरह उस परम पिता परमात्मा के भाने नूं मन के सानू उस दी रजा दे विच रहना पैंदा है। खोसला परिवार ते जे असी झात मारीए ते इह ओह परिवार है जिसने अपनी मेहनत सदका उत्तरी भारत दे विच अपना नाम पैदा किया। स्वर्गीय लाला द्वारकादास खोसला जी ने जिहड़ी मेहनत ते सदका बूटा लाया उस इन्हां सारे भरावां ने मिल के एक बहुत वड्डा कारोबारी सम्राज बनाने दे विच कोई कसर नहीं छड़ी और दिन रात मेहनत की। उस दे विचों साडे विछड़े हुए भरा स्वर्गीय राकेश खोसला जी का योगदान अज भी सारा समाज याद करता है। राकेश जी ने इस कारोबारी सम्राज को बनाने दिन रात मेहनत की और अपनी मेहनत सदका बाकी भरावां दे नाल मिल के इस कारोबारी सम्राज को अगे तो अगे फैलाया। परिवार का शेर बग्गा सानू अचानक
विछोड़ा देख के परम पिता परमात्मा के चरणों के विच जाग राजिया अजे परिवार उस सट तो उस जख्म तो उस दुख तो पूरी तरह उबर भी नहीं पाया कि घर का वेड़ा होर सुना करते हुए सत्कार जो नीलू खोसला जी भी इस पानी संसार को पूछ कर गए। प्रशासन नाल जुड़िया हुई बहुत ही उगिया शख्सियतां कारोबारी जगत और समाजिक धार्मिक सभ्याचारक शख्सियतां इत्थे मौजूद ने क्योंकि समय की भी घाट है और क्योंकि समा भी अजकल यही मंग करता है कि समय की मर्यादा को देखते हुए जिहड़ा ये श्रद्धांजलि समारोह है वह मिथे समय के समाप्त किया जाए तो सारियां दी हाजिरी लगवांदा होया जिन्हें भी इत्थे शख्सियतां बैठिया ने बहुत ही सारिया मायनाज ने बहुत ही वीर की शख्सियतां ने उन्हां वल्लों मैं इस विछड़ी गुरु के चरणों के श्रद्धांजलि अर्पित करता हाँ और खोसला परिवार की तरफों सारियां दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ कि तुसीं इस दुख की घड़ी के खोसला परिवार के नाल दाखल होते हुए हो क्योंकि कहते हैं कि खुशी वड्डा नवादी है तो दुख घटता है तो तुसी इत्थे आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और हुण मैं परिवार की तरफों साडे विच सरदार सरबजीत सिंह जी मक्कड़ जिहड़े कि परिवार के बहुत ही नज़दीकी ने रिश्तेदार ने उन्होंने बेनती करना कि वह आन और परिवार की तरफों सारी ही आई हुई संगत का धन्यवाद भी करन और अपने वालों श्रद्धांजलि भी दें। सरदार सरबजीत सिंह जी मक्कड़ महामारी की मौत के विच तुसी सारे बैठे हो किस तरह के भाणे सारे मुल्कां दे विच वतरे ने क्योंकि नीलू भव जी का चले जाना काफी वड्डा दुखदाई है जिथे उन्हां बच्चियां नूं घटा है उत्थे खोसला परिवार के हर मैंबर हर रिश्तेदार हर दोस्त नूं घटा है क्योंकि जदों इंसान अपनी जिंदगी का आरंभ करता है तो उन्हें रोज सोचता है किस तरह मैं परिवार के विच रहना है किस तरह मैं दोस्तों के विच रहना है किस तरह मैं मां माई के मंदिर जाना है किस तरह मैं गुरुद्वारे जाना है। परमात्मा ने बड़ी वड्डी सोझी दिती है पर उस सोझी के विच इस बीमारी का सामना सारे ही देशों को करना पड़ा वर्ल्ड लैवल पर। इंडिया के रहमत रही है पर इस रहमत के नाल नाल बड़े नौजवान बड़े प्रमुख बड़िया वड्डिया शख्सियतां जिहड़ियां दुनिया का इलाज कर दियां वह भी साडे विचों चले गई क्योंकि इस परिवार के जिवें मेरे तो पहला स्टेज सैकटरी साहब ने दस्सिया साडे भरा होरां ने कि प्रभुता के तौर पर जिवें पप्पू जी का उन्होंने एक बार जो 10 बार ना लिया क्यों लिया कि परिवार एक महत्ता रखता परिवार एक सेवा करता परिवार भावें धार्मिक समागम होते हाजरी भरता भरवा सेवा च हाजरी रहा तो जिन्हें परिवारों के नाल जुड़िया है हर थान के दुख सुख से पहले पहुंचने वाला है तो जिवें ये बीमार हुए ने यहोजन कई सलाह देनी सवेरे उठ के फोन करने पर जिवें मलाह का होगा खाली कि घर के कुछ दिन तक पता नहीं लग सकिया कि उन्होंने कोरोना हो गया क्योंकि उन्होंने घर के नाल ही इन्ना प्यार सी जां हस्पताल दे विच जाना नहीं सी चाहते 4-6 दिन लेट हो गया जदों लेट हो गया इमीजिएटली उन्होंने चंगे तो चंगे हस्पताल च लिजाया गया पर इन्ना ज्यादा लॉस हो चुका सी जिन्होंने बचाया नहीं सी जा सकता या बच नहीं सकता क्योंकि अपने लंच एक ऐसी चीज ने जिन्हों बीमारी पैंदी है। मैं तां लंच बारे गल कीती है कई बार आपां भुल होंदे आ आपां अपने इलाज प्रति भी लापरवाह हो जाने कई बार दुनियावी गल्लां बड़ियां ने अपने टूट के तो सोचते हैं कि मैं ठीक हाँ पर लेकिन जो डॉक्टर एग्जामिन कर सकता है वो असीं अपने आप नूं एग्जामिन नहीं कर सकते जो साडी मशीनरी एग्जामिन हैल्थ दी कर सकदी है असीं नहीं कर सकते
पर वो जिवे है ना परमात्मा दे बस जिहा तेरी लिखिया तेरा हुकुमाए कले आप जानका सभी की क्योंकि पहले साढ़े भरा होने भी नौजवान गए ने इन्होंने हसबेंड ते ऐसा प्रेम सी जिहड़ा सारे काम नूं चलांदा सी वो ऐसा प्रेम सी जिहड़ा कि जिम्मेवारी निभांदा सी ते उन्होंने मन च हुंदा सी कि मेरा रिश्तेदार सरना मेरी वड्डी चीज है पर गुरु गली साहिब सिंगत जी वह भी गए ये भी गए पिछे पप्पू जी के भरा बड़े साल बीमार ने उन्होंने ऐसी चोट लगी कई साल कटते रहना पे ट्रेन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ सरदार प्रगट सिंह जी बैठे ने साडे पुराने मेयर साहब साडे वड्डे वीर जिहड़े हमेशा साडे नाल रहिंदे ने शीतल वीर जी जिहड़े हमेशा अखबार राही भी प्यार राही भी ते हर बड़े दुख सुख दे विच हाजरी भरदे ते जे मैं नस्टिस्ट नज़र मारदा अफसर सिफात ते नज़र मारदा ते किसे गल दी कोई घाट नहीं ते जिहड़े बंदे इन्ना प्यार करदे ने ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਦਦ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਵਾਸ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੋਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇਚਰ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਣੀ ਸਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਸਕੇ ਉਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 25-25 ਦਿਨ 30-30 ਦਿਨ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਏ ਦਾਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦਲੇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਘਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭੀ